भारत पाकिस्तान मैच को लेकर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने दिया तीखा बयान, मच गया बवाल। भारत के पैसों पर पाल रहे हैं पाक खिलाड़ी, शोएब अख्तर ने अपनी टीम को दिखाया नीचा। शोएब अख्तर को अचानक याद आई पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की विस्फोटक पारे, मैच से पहले ही बदली साइड, विराट की तारीफ में बांधे तारीफों के पुल, पाक फैंस नाराज। कभी अपनी तेज कातिलाना गेंदबाजी को लेकर दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके शोएब अख्तर अक्सर अपने बयानों को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अक्सर अपने बयानों में कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे नई नई कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा हो जाती हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर एक ऐसी बयानबाजी की जिससे पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में तहलका मच गया। हालांकि उनके इस बयान पर पाकिस्तान में भी बवाल खड़ा हो सकता है। शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान में इस पर काफी बवाल होना तय है। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत के पैसों पर पलते हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया के पैसे से ही पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को फीस मिल पाती है। हाल ही में शोएब अख्तर खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार के इंटरव्यू का हिस्सा बने थे जहां पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर एक बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने अपने बयान में बीसीसीआई को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड तक बता दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, बीसीसीआई का जो पैसा आईसीसी के पास जाता है इस पैसे को ही आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती है और वही पैसों के दम पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फीस मिल पाती है। बीसीसीआई आने वाले वर्ल्ड कप से खूब पैसे कमाएगी जिसके जरिए उसकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत पाक मैच में इंडिया पर दबाव होगा, ये दबाव मीडिया की वजह से बनता है क्योंकि लगातार टीम इंडिया के ही जीत के दावे किए जाते हैं, मैदान भी बिल्कुल ब्लू कर दिए जाते हैं। इससे पाकिस्तान को मदद ही मिलती है क्योंकि वो अपने आप ही डार्क हॉर्स बन जाती है और इससे खिलाड़ियों को खुलकर मदद मिलती है। वैसे आपको बता दें, शोएब अख्तर ने बताया कि भारत पाकिस्तान मैच में एक बार फिर टीम इंडिया पर ही दबाव होगा। अख्तर ने कहा कि ये दबाव मीडिया की वजह से बनता है, लगातार टीम इंडिया की जीत के ही दावे किए जाते हैं। शोएब अख्तर ने कहा, यूएई में पिछले साल खेले गए एशिया कप 2022 में भी ऐसा ही देखने को मिला था जब पूरा स्टेडियम नीले रंग की जर्सी पहने नजर आ रहा था और टीम इंडिया से जीत की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जोड़ी जा रही थी। इस दबाव से टीम इंडिया को नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने बिना किसी प्रेशर के ये मैच जीत लिया। पाकिस्तान की टीम भारत के मुकाबले खुलकर खेली और जीत दर्ज की। भारत से जो रेवेन्यू आईसीसी को जाता है उससे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मैच फीस मिलती है। मैं चाहता हूं कि भारत इस वर्ल्ड कप में खूब पैसे बनाए। वर्ल्ड कप 2023 सबसे अलग और रोमांचक होगा। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विराट कोहली की एक पारी को याद कर अपना बड़ा रिएक्शन दिया है। शोएब अख्तर ने रेव स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह से विराट ने ऑस्ट्रेलिया में खेला ये लगभग ऐसा था मानो भगवान ने उनके लिए दिखाने के लिए एक मंच बनाया था कि वो राजा क्यों हैं। वो दो शॉट हारिस रऊफ को 100,000 लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरी चीज़ नहीं होगी। उनका पूरा फोकस अब अपने क्रिकेट पर है। मैंने उनसे 110-115 शतक बनाने को कहा है। अगर मैं होता तो कहता कि यार विराट कोहली ये वर्ल्ड कप खेल कर छोड़ दे तू, हमें तो तेरी टेस्ट सेंचुरी चाहिए। आपको 100 शतक करने हैं और जिस मर्जी एरा में सचिन से ज़्यादा स्कोर कर लें, स्टेटस बेहतर कर लें। लेकिन यार जैसे बॉक्सिंग में मोहम्मद अली हैं वैसे ही माइकल जॉर्डन जॉर्डन और सचिन सचिन ही हैं। पैसों के मामले में भारत के पैसों पर पाकिस्तान पलता है। शोएब अख्तर के इस स्टेटमेंट से आप किस हद तक सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत का क्रिकेट बोर्ड अगर ज़्यादा पैसे कमाएगा तो उससे पाकिस्तान को भी ज़्यादा मुनाफा होगा या उसका फ़ायदा होगा? आप इस पर अपना रिएक्शन कमेंट में दर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही साथ विराट कोहली की पारी को लेकर जिस तरह से तारीफ की है शोएब अख्तर ने, क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली की तारीफ करना क्या टीम इंडिया के मनोबल को बढ़ाना नहीं है, या फिर पाकिस्तान से साइड बदल कर अब शोएब अख्तर भारत की पाले में आ गए हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।